the phenomena has existed till recently. Para 5 में ये बात तो आ चुकी है. Order के para 5 में यही है कि federation और agencies they are under अपना response दे दें. That's proposals. चलिए अब इंडिविजुअल्स बताएं कौन कौन बात करेगा. एतजाज एहसन. हाउ लॉन्ग? 25 मिनट्स. जी नेक्स्ट. सर इट्स दरख्वास्त दायर की है शहबाज खोसा की जानिब से. कहा गया शहबाज खोसा ने यह भी कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल रात मीटिंग हुई है और पता नहीं क्यों उन्हें अभी तशहीर चाहते हैं. साधु सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत की जानिब से ये कहा गया. तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में अस्कोट नोटिस पर समाप्त. चीफ जस्टिस की सरबराही में सिटिंग लाजर बेंच समाप्त कर रहा है. क्या बेहतर नहीं होता कि आप एक ही मीटिंग करके पाकिस्तान बार काउंसिल इनकॉर्पोरेट कर देते. फिर ऑर्गेनाइजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं. कल को अदारे में कोई और आदमी ये कहेगा कि मेरी नहीं सुनी गई, दूसरे की नहीं सुनी. अल्टीमेटली वन हैज़ टू हेड द इंस्टीट्यूशन एंड द वाइस चेयरमैन इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान. Secondly, if the individuals are allowed, we stand by the independence of judiciary, and we stand by the six individuals are allowed. We stand by the independence of judiciary, and we stand by the six judges who have made complaint. There must be investigation. There must be action by this honorable court. But your lordship may graciously appreciate. जब हम individuals को ये allow करेंगे, तो that would create anarchy. बताइए, मैंने ये नहीं सजेस्ट किया आपको कि इंडिविजुअल को करें. पाकिस्तान बार काउंसिल का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में वो कह रहे हैं कि हम मेंबर्स हैं ऑफ दी जो कंट्रोलिंग बॉडी है. तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा था बजाय इसके कि वो अलग अलग करते. आप अगर एक ही मीटिंग करते उस गवर्निंग बॉडी की, अगर उनकी ओपिनियन जो भी थी, बिकॉज दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. हमारी मीटिंग हुई, सुन तो ले. ऑपोजिशन किसी भी जमहूरी इदारे में, पार्लियामेंट में प्रोबेबली द ऑपोजिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गवर्नमेंट. तो अगर आप उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते बजाय इसके कि वो अलग अलग दें, तो वो भी आप ही का हिस्सा है. मैं आपकी बात को अब मैं एक मिनट लूंगा. सिर्फ इसी एजेंडे पे मीटिंग हुई और यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ पूरी की पूरी काउंसिल का. यूनानिमस 5 तारीख को यूनानिमस रेजोल्यूशन. देर वाज नो डिसेंट नीचे ऊपर कर करवा के. हमने जो यूनानिमिटी के साथ जिस जिस को इतराज था वो रेजोल्यूशन दिया और वही रेजोल्यूशन ही सबमिशन है. देर आफ्टर मेरी जो गुजारिश है, जब अनफॉर्चुनेट फिनोमेना, जब अब टीवी लगा हुआ है पूरे मुल्क में ये कवरेज है और उसके बाद सिर्फ टिक्कर ही हमने चलाने हैं, तो फिर सिचुएशन वुड बी अदरवाइज. कोई डिफरेंस है आपके उनमें? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यूनानिमस अभी अभी पूरे हाउस ने, पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल ने जब सबमिशन की है, उन्होंने सबमिट किया है उनके जो प्रपोजल. कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. मैंने इसलिए ये अर्ज किया, हमारे सारे का सारा पूरे हाउस ने जैसे जनाब ने फरमाया मीटिंग की, मीटिंग के बाद सारी बहस हुई. हमने रेजोल्यूशन के लिए सारे इन दोस्तों को जो अपोजिशन में थे, फरूक नायक साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, वाइस चेयरमैन रियाजत अली साहब. लेकिन मैं जो अर्ज करने वाला, अब ये कल्चर हम जो डेवलप करने जा रहे हैं कि एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है. आई मस्ट इंटरप्ट. There is no such culture and I will not encourage this culture. Please, your I believe in democracy. Please, your whoever gets elected, you may not agree with anything a person my says. My Lord. That doesn't mean we have to hear everybody. That's why I've given priority to the organizations. But if anybody else says something good, if they just want 2 minutes of time on camera, that's another thing. That's why we have started with the first premier body, which is the Pakistan Bar Council. We'll follow it up with Supreme Court Bar Association.
So let's start with this thing, otherwise we just debate. When the minute you have a body, you respect it. You win the elections today, you respect it. You win the election tomorrow, you will be minority. Definitely. As my Lord has pointed out the query, that's why I elaborated. We were all. And all the more so. Second, please. And all the more so when the destination is the same. जब आपका हदफ एक है, या तो बोले मेरा हदफ नहीं है, तो जब आप हदफ एक है, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है, भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात है, यकीनन आप दोनों तरफ एक ही तरफ खड़े होंगे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, वील हियर यू लॉर्डशिप जी. सर, दिस इज CMA 3968. एज आई वॉज called upon by this honorable court to provide the assistance or proposals on behalf of Pakistan Bar Council. I confined earlier application in four paragraphs. So may I read the first paragraph of the application is that I have focused the sir, Lordship, I have focused the first para of the letter. First of all, may I read the first para of the letter, subject letter. The Honorable Judges says that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executives, including operators of the intelligence agencies that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty of report any such actions that come to his/her attention to relation to colleagues and all members of the courts that the higher courts supervises. This was the first paragraph of the letter. In this regard, my humble submission is that through this paragraph, the Honorable Judges seeks guidance from Supreme Judicial Council with regard to duty of a judge to respect and respond to actions on the part of members of the executives, including operatives of intelligence agencies. Therefore, my humble submission is that this segment of the letter may be referred to the Supreme Judicial Council in order to provide guidance and some appropriate amendments or insertions may be made to the code of conduct for judges regarding their interactions with executives in such circumstances. Now, my lord, paragraph 6 of the letter is most important. The paragraph 6 of the letter addresses allegations of interference in the judicial work of judges, harassment and exertion of pressure. It recounts an incident involving the abduction of the brother-in-law of a judge of Islamabad High Court by individuals claiming officials with the ISI. Additionally, a complaint was lodged by an additional district and session judge who reported threats and the throwing of crackers into his residence. Furthermore, it was alleged that during routine maintenance, hidden cameras with SIM cards were discovered in the official residence of an Islamabad High Court judge, capturing audio and video recordings. The USPs retracted from these cameras contained private recording of the judge and their family, constituting rather serious accusation. This is very serious. These are the very serious allegations leveled by the honorable judges. These allegations fall within the scope of criminal offenses, may be prosecuted under the criminal law. Nevertheless, judges of the Honorable High Courts and subordinate courts possesses the authority to prosecute any individuals who interferes with the judicial work under Section 228 of Pakistan Penal Code and Contempt of Court Act 2012. It is imperative to establish a precedent for prosecuting such individuals to serve as a deterrent within society and uphold the sanctity of the judicial process. In this regard, the judges throughout the country may be encouraged to exercise bold
world with such powers of the laws available to them. So in this regard, if I may be allowed, may I read the section 228 Pakistan Penal Code, which is very much clear, Lordship. Intentional insult or interruption to a public servant sitting in judicial proceeding, whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting at any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both. The procedure for this section has been provided in section 480 and 482 CRPC. So, with the permission of this Honorable Court, may I read these sections 480 and 482 CRPC. May I read, Lordship? GG. Section 480 CRPC. Procedure in certain cases of contempt, when any such offense as is described in section 175, section 178, section 179, section 180, or section 228 of the Pakistan Penal Code is committed in the view or presence of any civil, criminal or revenue court, the court may cause the offender to be detained in custody and at any time before the rising of the court on the same day may, if it thinks fit, take cognizance of the offense and sentence the offender to fine not exceeding 200 rupees and in default of payment to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine be sooner paid. Now may I read, Lordship, the section 482 CRPC. Procedure the court considers that case should not be dealt with under section 480. The court in any case considers that a person accused of a statement of the accused as herein before provided may forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same and may require security to be given for appearance of such accused persons before the such magistrate, or if sufficient security is not given shall forward such person in custody to magistrate. Number two, the magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to hear the complaint against the accused person in manner herein before provided by the law. Now, and other law, my lord, which is Contempt Act 2012, is also provided the punishment for the, if I may be allowed, may I read the Contempt of Court Act 2000. Section 3 of the Contempt of Court Act 2012. Contempt of Court definition. Contempt of Court Ordinance 2003, which is divided now. Definition. The operative part. Lordship. Whoever disobeys or disregards any order, directions, or process of a court which he is legally
bound to obey our commits a willfully breach of a valid undertaking given to a court or does anything which is intended to or intends to bring the authority of a court or the administration of law into disrespect or disrepute or to interfere with or obstruct or interrupt the process of law or the due course of any judicial proceedings or to lower the authority of a court or scandalize a judge in relation to his office or to disturb the order or decorum of the court is said to commit contempt of court. वाइस चेयरमैन साहब लॉर्डशिप आपके इस रिपोर्ट के बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी 2012 का सबमिट की है सर ये एक 2012 का है सर This law was struck down in Bas Mohammad Kagar. 2003 is the valid law. Chale, 2003. It's almost the same. Oh, same as Vice Chairman साहब, आपके इस रिपोर्ट के बाद सारे हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिन्होंने इस लेटर से ज्यादा ग्रेव और रीसेंट मैटर्स को और सिर्फ सर्टन पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में उन्होंने हाईलाइट किया है एंड वन ऑफ द हाई कोर्ट हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट इट्स अ फिनोमेना व्हिच अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गालिबन पाकिस्तान बार काउंसिल ने वो हाई कोर्ट्स की वो रिपोर्ट शायद कंसिडर करके अपनी रिकमेंडेशंस फॉर्मुलेट नहीं किए स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ इट इज नॉट अ six judges letter they have highlighted a phenomena which has existed and in the last hearing the attorney general also acknowledged that it was happening in 2018 so everyone knows that these things are happening aap apni baatein sirf ye bata dijiyega ki ye phenomena na dharne judgment se khatam hua na kisi aur judgment se khatam hua What deterrence can be created? आप जो कह रहे हैं देखें let us be very very honest. You are expecting high court judges. I mean we all have remained in high courts. In 2018 and 2019 the high court judges and supreme court का complicit होना था लेकिन आप सब मान रहे हैं कि interference होती है लेकिन उसका deterrence बता दें in light of all the high court's responses that has been received I think that would be more appropriate it has gone now beyond these six judges letter any other we will exclude the time that the bench takes during your response sir aapko meri nahi kaatenge isme sir meri bilkul choti si guzarish ye hai ki jab tak hum koi precedent set nahi karenge yahi to dekhe na jo precedent set kaise hoga na jo admitted hai jo ho chuka sir humne isme to consensus hai ki interference ho rahi hai nahi uske liye bhi hum aap se pooch rahe dekhe hukumat to kuch nahi kar rahi aaj se nahi ho rahi jab se bhi ho rahi hai hukumat kuch nahi to hum karenge na sir judiciary karegi na hum aap se pooch rahe ki wo अमल बताया जाए कि हम किसी के मोहताज ना हो हम खुद कर सकें ये तो 70 साल ये तो सर फिर इनफ इज इनफ नहीं हर ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए उसकी इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है यादव साहब कंटेम्प्ट से ज्यादा इंटरफेरेंस से ज्यादा कौन सा अमल बुरा होता है मर्डर होता है ना बिल्कुल वो कब से मना हुआ है रुक गया है नहीं सर तो वो ये तो माशरे होते हैं
लोग होते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। अगर आप किसी ने आज आप हुक्म दे दें मर्डर होना खत्म कर रुक जाए, तो हम रुकेगा तो नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो हमें कैसे उसे डील करते हैं वो सजा की बातें हैं, सजा जजा की बात है। जैसे आपने कहा जजा सजा होगी, तो फिर दूसरा कहेगा देखो इसे कत्ल किया इसको सजा मौत हो गई तो कत्ल नहीं करना चाहिए। एक तो ये डिटेरेंट हो सकता है, दूसरा ये डिटेरेंट ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ ना हो तो कहेगा जज हम भी कर लेते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट कर लें, मेरे अगर हम आपसे बहस में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं जी। तो हर क्योंकि ये सब लोगों ने लंबा लंबे टाइम लिए, तो आप अपना कंप्लीट बस मेरा यू वांट मेरा बिल्कुल कंप्लीट। मुझे ये सजेशन देनी है कि जब तक हम प्रोब नहीं करेंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, जब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे पनिशमेंट का, किसी एक को पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर उस प्रोब के बाद, तो एक प्रेसिडेंट बनेगा एक डर होगा एक खौफ होगा। दूसरा जजेस को इनकरेज करना चाहिए कि उनके पास जो लॉ अवेलेबल है वो उसको एक्सरसाइज करें। बस दैट्स ऑल माय लॉर्ड, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो सर ये सारा दिन हम बोलते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका हल निकालना चाहिए बजाय इसके कि इन चीजों को हम बाहर जाके पॉलिटिसाइज करें। आपके दो फिर जहां मैं समझा, एक आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो, बल्कि तीन चीजें, दो बातें और आपने कर दी कि वो कंटेम्प्ट एक्ट वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अख्तियारात, और अगर वो समझते हैं तो क्रिमिनल लॉ के तहत भी जा सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये आपकी मुख्तसरन बात हो गई। ठीक है, या कोई और बात थी? जी सर जी ठीक, बल्कि एक चीज और आप बताओ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी सर मैंने गुजारिश की कि जो पहला पोर्शन है वो सेगमेंट रेफर, मैं उधर सिर्फ इतनी वजाहत कर दूं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक अलग आईनी इदारा है। एटलीस्ट even though I am chairman of that institution as well, I will not as supreme court direct the supreme judicial council to do anything. wo apne wo uske membran panch hain, ek do baithe hue hain, teen nahi baithe hue hain. theek hai, to usme refer karne ke liye theek ek proposal aur aapki taraf se shayad aani chahiye thi ki ab being pakistan bar council ab jo wakla ki taraf se judges pe ab जो भी आप प्रेशर समझे या जो भी समझे उसको आप कैसे रोकेंगे? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, मेरा आवाज़ इन क्वेटा मेरे सेशन जजेस मुझे कहते थे कि हमने उनको कहा कि आप ताकत पकड़ें, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम किस तरह करें? एक वकील साहब आते हैं कि जी मैं आज जमाल साहब के साथ बैठा, मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ें की। तो वो समझा कि जब तारीफ कर सकते तो मेरी गिबत भी कर सकते, इसलिए वो जज कंप्रोमाइज वकील से। देखिए फैक्ट्स आज हम सबको मानना चाहिए, हमें आप पाकिस्तान बार काउंसिल ये मान लें कि आपके तरफ से भी बातें होती हैं, इसको भी डिस्करेज करना, बल्कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप इसको डिस्करेज करने के लिए पूरा स्टेप। सर पाँच मिनट की गुजारिश करूंगा, हमारे सीनियर मेंबर मैं अर्ज करूंगा सिर्फ एक मिनट के लिए। एज माय लॉर्ड हैज पॉइंटेड आउट, इट्स एब्सोल्यूट ट्रू कि जो बाकी हाई कोर्ट्स का रिस्पांस आया है वो हमारे सामने नहीं था। उसके बाद जब मोहतरम अटारनी जनरल साहब ने पढ़ा है, देर आफ्टर वी केम टू नो द पर्टिकुलरली द रिस्पांस गिवन बाय द पिशावर हाई कोर्ट एंड लाहौर हाई कोर्ट। हम ये समझते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक डेटरेंट होना चाहिए, और उसके लिए मैयस जो क्या है हमने जनाब पे छोड़ा है। बार स्टैंड बाय द जुडिशरी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग व्हेन वी से द कैमराज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द बेडरूम ऑफ ए जज। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इवन व्हाट टू टॉक ऑफ जज, आई वुड से इवन द probing into the personal life of any individual that would be taken care of. kaise zara bataye na, wohi to baat ji main guzarish hai, aap chahte hain investigation ho ya na ho? ji hum chahte hain investigation. aapki report mein zikr hai, aapne kaha hai ki criminal nature ke jo liye humne probe karenge. ji bilkul, main dusri guzarish karu, humne apni bar council mein ek ek lafz hamara resolution ka unanimously carry kiya, jahan kisi ko itraz tha usko kaata dusra kiya. usme hamare resolution mein ye hai कि सिटिंग जजेस का कमीशन बनाया जाए, दे शुड प्रोब इनटू द मैटर एंड दे शुड प्रपोज द एक्शन टेकन अगेंस्ट द डेलिक्वेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी गुजारिश इधर मेरे जहन में एक आई है कि क्योंकि हम जो जुडिशरी है उनको कंप्लायंस के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई जज ऑर्डर करता है तो जाहिर है वो पुलिस को कहेगा या किसी एजेंसी को कहेगा, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का फोर्स उसके अंडर में होना चाहिए जो कंप्लायंस, जिस तरह वो माजी में काजी खुद कंप्लायंस करवाते थे,
ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री है। तो हम कहते हैं कि ऐसी समझते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव कोर्ट के अंडर नहीं है? नहीं सर है, तो फिर क्या? लेकिन यही तो अपने आप को स्ट्रेंथन करना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अंडर मैनेजमेंट पे अमल करे, ना करे तो उस एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। चले आगे, चले नेक्स्ट पे करते ना, कोई नई पॉइंट बताएं तो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बस सर ये मैंने की प्रोब होना चाहिए एक जी, अगर बाद में कोई ख्याल आए बता दीजिएगा, अभी तो चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नो थैंक यू सर, सॉरी आई हैव टू पुश यू, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल। लेटर ऑन वी हैव टू स्पीक ऑन द प्रोविंशियल बार काउंसिल एज वेल, पंजाब बार काउंसिल, वो बाद में हम करेंगे बाकी सीनियर्स के बाद। पिटीशन ना अलाउ करें सर प्लीज। ये देखिए आपकी जो बातें हैं कि जी कंटेंप्ट लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, चौथी बात इन्वेस्टिगेशन है। ये अब कोई लोग इनसे डिसएग्री करें, हम लंबी लंबी तकरीरें सुनने नहीं बैठे, बस यही है सर, बस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। हम सजेस्ट करेंगे, रियलिटी बहुत डिफरेंट है, द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, वी ऑल नो व्हाट इज द रियलिटी। निकालें आपका नंबर क्या है, आप हाई कोर्ट्स की रिपोर्ट्स तो देखें, नंबर वो सारे जजेस हैं, ये वो गलत नहीं कह सकते हैं। आप जिस तरह भून साहब ने कहा है उसको देख के हो सकता है आपका व्यू चेंज हो जाए। जी व्हाट नंबर आर यू फाइल? 398 आई हैव बीन टोल्ड, वेट सीएमए 398 ऑफ 2024 जो अभी दी आपने? जी मैंने आज ही दिया। आपने तो हाई कोर्ट के देख लिए ना? डू यू वांट टू रीड इट और यू वांट टू? आई विल बी रीडिंग इट आउट, बट बिफोर दैट मे वेरी हम्बली रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल जजेस हियर नॉट टू इंटरप्ट यू। आई एम नॉट, आई एम, कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट टू हैव इंटरप्शंस? व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग हियर इज दैट व्हेन वी से on live TV, which the whole nation is watching, that the Supreme Court was complicit, or for that matter that the judges were compromised, the Superior Court judges were compromised, we are not sending a good message. And these hearing, and what happened in the last state of hearing, is actually eroding public trust. And this trust hearing is eroding public trust. Well, not the, what was said in the hearing on the last state. And I'll be pointing it out when I read from President Saab, who are we answerable to? But we are answerable to firstly to Almighty Allah. Sun le. And then to any other. Sun le. Let him complete it. Please, otherwise we'll be hurt. आपने कह दिया ना? देखें, President Saab, हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी credibility बिल्कुल erode है, people do not sorry now, to say I have to interrupt, please proceed with your case. So grateful, sir. People so must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that. My lord, the truth should come from somewhere else. It is deeply concerning that to note that the judgment dated April 29, 2024 by a judge of the Islamabad High Court, which explicitly stated, and I quote, the letter is not in the nature of a complaint, as the SGC has no mandate to investigate the actions of intelligence operatives, and was also not a communication meant for public consumption. It was a confidential intra-institutional correspondence that got leaked to the media and has attracted public debate. This was recently said by an honorable judge of the Islamabad High Court. Who said it? My Lord Justice Babu Sattar. I will not actually happy to name someone. It is surprising that this judge, a signatory to the said letter, claims it was meant to be confidential. An urgent inquiry is necessary to determine how the letter was publicized without first being addressed to the chairman and members of the Supreme Judicial Council. The individual responsible for its leakage must be identified and held accountable. Now, my lord, I take your lordship's back. I will start reading from para 5 of the CMA that I filed. The Constitution of Pakistan, I hope my lords are there. Paragraph? Para 5, page 2 of the CMA, sir. The Constitution of Pakistan entrusts the judiciary with the sacred duty of upholding justice free from external influences.
This principle is fundamental not only to the administration of justice, but also to maintaining the balance of power within the state. It is imperative that judicial independence be safeguarded at all costs to ensure a just and equitable society. The Supreme Court Bar Association of Pakistan reiterates that any attempts by other branches of the government to undermine this independence are unconstitutional and detrimental to the rule of law. In the light of recent events, the Supreme Court Bar urges the Supreme Court to reassert its constitutional authority and to ensure that mechanisms are in place to prevent any form of coercion or undue influence from state agencies. The judiciary must operate without any direct or indirect pressure that could compromise its impartiality. This includes, but is not limited to, inappropriate communications, threats, or any other forms of interference in the due process of law and judicial decision-making. Furthermore, the Supreme Court Bar advocates for the enactment of stricter laws and regulations that penalizes interferences in judicial matters. These should be designed to protect judges from pressure that can arise from other branches of the government or from within their own ranks, ensuring that judges are able to perform their duties without fear of retribution is crucial for maintaining public confidence in the judicial system. In these circumstances, the Supreme Court Bar submits the following proposals.